नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सारे। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करने जा रहे हैं तीसरे टेस्ट की, जिसके अंदर बायोलॉजी से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं उन पे अपन विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट उनको क्लियर करेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपका जो टॉपिक है या जो क्वेश्चन गलत जाता है, बाय द वे चाहे कोई कैसा भी रीजन हो, आपका कन्फ्यूजन हो या फिर आपको नहीं आता हो या आपने पढ़ा नहीं हो, तो बेटा जी ध्यान रखिएगा कि जो भी टॉपिक हो, जो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो गलत हो रहा है, उसको आप एक बार खुद पढ़िएगा उससे रिलेटेड टॉपिक को या उस क्वेश्चन के पॉइंट्स को, ठीक है ना। क्योंकि इस चीज से अपन को बहुत फायदा मिलता है। और जो भी आप क्वेश्चन पढ़ो उसके ऑप्शंस को आप समझो, मतलब जो भी नाम आया है तो क्या है, उसका क्या अर्थ है, कहाँ से लिया गया है, समझ में आ रही है ना। तो साइंस का मतलब भी यही होता है कि क्या चीज है, क्यों है, कहाँ से आई है, ये सब का अपन को डिस्कस करना होता है ना। चलिए तो देखिएगा, आज अपन बात करना चाहते हैं इस टॉपिक पे जिसके अंदर सभी एग्जामों के आधार पर जो साइंस है वो और मोस्टली रीट सबके ऊपर कॉमन जो टॉपिक है उन सबको एक साथ लेकर अपन डिस्कस करेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा क्या है कि कंफर्ट महसूस हो। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर, मतलब 91 का जो क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा, पेशी संकुचन के लिए, मतलब मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन के लिए, बात समझ में आ रही है ना। मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन के लिए सबसे मुख्य आवश्यक तत्व, तत्व का मतलब होता है बेटा एलिमेंट, है ना। पीरियडिक टेबल में जो तत्व होते हैं उनकी बात हो रही है। पेशी संकुचन का मतलब होता है मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन, पेशी में संकुचन, जो पेशी है उसके अंदर संकुचन हो रहा है। जैसे देखो मेरा हाथ है, इसके अंदर ऊपर की जो मसल्स है उनमें संकुचन हो रहा है, इधर में इनमें क्या होता है, शिथिलन हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रेक्शन एंड डायलेशन या रिलैक्सेशन बोल सकते हैं अपन। तो जब इनमें संकुचन होता है तो बॉडी में मूवमेंट होती है, तो पेशी सिस्टम या मस्कुलर सिस्टम हमारी बॉडी में क्या काम करता है, मूवमेंट्स क्रिएट करता है। जैसे मेरा हाथ हिल रहा है, जीभ हिल रही है, गर्दन हिल रहा है, ये सारा जो मूवमेंट्स है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हो रहा है, पेशी से। तो इस पेशी को कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकोड़ने का काम कौन सा तत्व करता है, तो आंसर क्या होगा। तो देखो कैल्शियम जो होता है, हमेशा याद रखिएगा, मैं पॉइंट वाइज आपको बताता हूँ, कैल्शियम होता है वो डायरेक्ट एक इंडिविजुअल पाथ होता है ना, समझिएगा आप दोनों, ये सारे ही किसी ना किसी तरीके से संबंधित है। क्या आंसर सभी हो सकता है या फिर मतलब कैल्शियम ही होगा या सोडियम ही होगा या मैग्नीशियम ही होगा, समझ में आ रही है ना। तो देखिएगा कैल्शियम जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, पेशी के अंदर एटीपेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। मतलब ये हो गया कि ये क्या करता है, ये एक एक्टिवेटर है, लेकिन इस एक्टिवेटर को भी एक्टिव कौन करता है, कैल्शियम को एक्टिवेट कौन करता है, सोडियम। तो आंसर क्या होगा इसके अंदर, सोडियम। अब जैसा कैल्शियम काम करता है वैसा ही का वैसा सेम फंक्शन या सेम जो कार्य करता है वो कौन करता है बेटा जी, वो कार्य करता है अपना मैग्नीशियम। जैसे हमारी हड्डियां होती है वो कैल्शियम की बनी होती है, दांत कैल्शियम के बने होते हैं, उनके अंदर मैग्नीशियम की मात्रा भी होती है पर बहुत माइन्यूट होती है, समझ में आ रही है ना बेटा जी। तो आंसर क्या होगा, सोडियम, क्योंकि सोडियम जो है सबसे पहले यही काम करता है। तो पेशी संकुचन, देखो पेशी को संकुचित कराने के लिए मैसेज कौन देगा, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्रों में एक इकाई कोशिका होती है जिसे कहा जाता है न्यूरॉन। क्या कहा जाता है, न्यूरॉन। देखो अब ये जो न्यूरॉन है इससे एक द्रव स्रावित होता है, उसे कहा जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या कहा जाता है बेटा जी, न्यूरो ट्रांसमीटर। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ध्यान से सुनिएगा, इस न्यूरोट्रांसमीटर से, किससे मैं बात कर रहा हूं, इस न्यूरोट्रांसमीटर में इसके अंदर कैल्शियम होता है। क्या होता है, कैल्शियम। तो ये मसल्स पर जाएगा तो वहां पर उनको एक्टिवेट करेगा, इसके जो अपन कह सकते हैं पेशी के अंदर जो सार्कोमेरस होती है उनके जो कंटेंट होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, और उनके एक्टिवेट होने के बाद मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, सोडियम। क्लियर हो गया, तो आंसर क्या होगा इसका, सोडियम। कुछ बच्चे बोलते हैं सर कि ना मार्क नहीं लगाते, मार्क का मतलब नहीं बेटा जी, आप पॉइंट्स को देखिएगा आपको समझ में आएगा डेफिनेटली कि इसके अंदर कौन सा वर्ड किस वे में पूछा गया है, ठीक है ना। चलो देखो, किण्वन की घटना कौन से भाग में होती है। अब ये भाग किसके हैं, मैंने इनको जब पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये सारे भाग किसके हैं, ये सारे भाग पाचन तंत्र के हैं, तो मैं इनको डाइजेस्टिव ऑर्गन बोल सकता हूं, है ना। अब किण्वन क्या होता है,
किण्वन या फर्मेंटेशन का अर्थ समझो। अर्थ का मतलब होता है एक तरीके से ये अवायवीय श्वसन है। कैसा है? अवायवीय श्वसन है। अपन कह सकते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। अवायवीय श्वसन का मतलब होता है वहां पर वायु उपस्थित नहीं होती है, ऑक्सीजन नहीं होती है। और ये जो गुण होता है, ये जो गुण होता है वो किसमें होता है? सूक्ष्म जीवों में। किसमें होता है? सूक्ष्म जीवी और रह सकते हैं बिना वायु के? अपन तो नहीं रह सकते ना बेटा। तो देखो आइडेंटिफाई करने का एक ट्रिक होता है कि जैसे मुझे ये आंसर नहीं आता, मैं इसको कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ, है ना। तो देखिएगा अपन इसको कैसे समझेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो देखो ध्यान से देखना, आमाशय के अंदर तो कलर तो सबको साफ दिख रहा है बेटा जी, है ना। तो देखो ये जो अपना आमाशय है, इसके यहां से तो HCl है, वो बैक्टीरिया को किल करता है, तो सूक्ष्म जीव को मार देगा, तो रह ही नहीं सकता। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी न्यूक्लियस एंजाइम निकलता है। कौन सा निकलता है? न्यूक्लियस एंजाइम। जो एनर्जी डीएनए होता है, जो आरएनए या कुछ भी, डीएनए या आरएनए किसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, सूक्ष्म जीवों का, तो उनको भी मार देता है। बच्ची कौन? बड़ी आंत। तो बड़ी आंत के अंदर जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस प्रजाति के जीवाणु जो दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, वो कहां मिलते हैं? बड़ी आंत में। तो मतलब एक तरीके से सूक्ष्म जीवों को देखो, ट्रिक से समझो हर चीज को, रटो मत। जब नहीं आ रहा है तो अपना कॉन्सेप्ट, ये जो बेसिक जो चीजें हैं ये अगर आएंगी ना तो क्या समझ अपना सही है, डेफिनेटली कोई गलत नहीं कर सकता इसको। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत, आमाशय मतलब होता है स्टमक होता है, ठीक है ना। चलो आपका पार्शियली टाइम खराब नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट पॉइंट, फिर आपके कनपट्टी के अंदर पसीना लाने के लिए मैंने थोड़ी सी कोशिश करी है ताकि आप लोगों को थोड़ा बेहतर मिल सके। विश्व में RH पॉजिटिव लोगों की कुल प्रतिशतता कितनी है पूरी दुनिया के अंदर? तो मैंने इतना जाना है कि मेरा शॉर्ट में यह पढ़ा हुआ है कि RH जो नेगेटिव होता है वो 20% है। कितना परसेंट है? 20%। तो मेरे हिसाब से आंसर इनका कितना हो गया पॉजिटिव का? 80%। सबसे बेस्ट एवर तरीका है, समझ में आ रही है ना। तो डिपेंड करता है कि आप उसको किस वे में याद करते हो, 50-50 कहीं नहीं होता सिवाय पानी की मात्रा के अलावा, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये एक सीधा अपन कह सकते हैं कि वैल्यूएबल क्वेश्चन है जिसमें वैल्यू याद रखनी होती है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, ठीक है। चलो RH के ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखते चलो नेक्स्ट टॉपिक है। देखो ये ना इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। सर्वाधिक पुनर्अवशोषण कौन से भाग में होता है? पुनर्अवशोषण का मतलब होता है रीएब्जॉर्प्शन। क्या बेटा जी, ध्यान से सुनना, सॉरी दोस्तों, है ना, मेरे प्यारे नन्हे बुने बड़े जिगरी दोस्तों, भाइयों, यारों, ठीक है। तो देखो सर्वाधिक पुनर्अवशोषण कौन से भाग में होता है, किसका? तो ये सारे भाग किसके हैं? ये हैं बेटा जी नेफ्रॉन के। किसके? नेफ्रॉन के। नेफ्रॉन क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए तो? उत्सर्जन तंत्र की इकाई होती है। किसकी होती है? उत्सर्जन तंत्र की इकाई होती है, यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेफ्रॉन, जिसका आगे से मुंह ऐसे फोन सा होता है, उठा के बात नहीं करते थे क्या अपन इससे? वो हेलो हेलो करते थे पहले, वो डब्बा सा पड़ा रहता था, है ना, ऐसे इसका तार निकल के आता था, ऐसे ऐसे पड़ा है ना, तो नेफ्रॉन, फोन, क्लियर है ना। तो देखो इसका ये दूसरा भाग है, दूसरा मतलब ये आगे का पहला भाग और ये जस्ट नीचे का दूसरा भाग, उसके बाद में यहाँ पर ये देखो ये यू से बन रहा है, ये तीसरा भाग और इसके बाद में ये चौथा भाग। तो ये इसका बोमन का पहला भाग है, ये दूसरा भाग है और ये चौथा भाग है। अब तुम कहोगे सर तीसरा भाग कौन सा है? तीसरा हेनले लूप होता है। तीसरा कौन सा होता है? एच लूप, जिसको कहते हैं हेनले लूप। समझ में आ गया ना बेटा जी, क्लियर है? बस पॉइंट्स को इसी तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना तो आपका गलत नहीं होगा, क्लियर है। देखो अब आगे तो आंसर क्या होगा? दूसरे भाग में। क्यों? क्योंकि जो भी कंटेंट है वो यहां से चलकर यहां आता है। और पुनर्अवशोषण का मतलब होता है बेटा जी, एक शर्त होती है पुनर्अवशोषण की, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पुनर्अवशोषण का मतलब होता है
रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि वो कितना एब्जॉर्ब हो रहा है। क्लियर है ना, याद रखिएगा। ठीक है, तो जो कंटेंट गलती से छन के आ गए वो वापस बॉडी में कितना जा रहे हैं ये रीअब्जॉर्प्शन शो करता है। क्लियर है। चलो अगर मैं पूछूं कि ऊपर वाले क्वेश्चन में कौन से में नहीं होता तो आप क्या बोलोगे, वोमन कप में। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार, अगर मान लो कि ये, मान लो ये क्वेश्चन मैंने इस तरीके से पूछ लिया था, इस पुनर्वसन कौन से भाग में नहीं होता, तब आप क्या बोलते, वोमन कप में नहीं होता। है ना, क्वेश्चन है भाई साहब, कैसे ही बना दे, एग्जामिनर है। तो आप लोग क्वेश्चन के हिसाब से काम करते रहिएगा, काफी मस्त मजा आएगा आपको। जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पर, निम्न में से सरल फल का उदाहरण है। अब बहुत सारे आपने पढ़े होंगे, बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी, है या नहीं है। तो निम्न में से सरल फल का उदाहरण है, ठीक है ना। तो देखिए, चेक कीजिएगा, काजू है कि कमल है कि सहतूत है कि सभी है। अब सभी जब आ जाता है ना, तो अपन कंफ्यूज, ये दिमाग में ये बटा लेते हैं, ये गोल्डी अलग बना लेते हैं ना कि भाई इसका आंसर तो क्या होगा, ऑल दे रखा है, सभी दे रखा है, सभी हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें सरल प्रकार का उदाहरण क्या होगा, आंसर होगा काजू। ये कि ये सिंपल फ्रूट है। कमल जो होता है वो फूल रूप होता है। ठीक है, सहतूत जो होता है वो क्या होता है, अग्र भाग से फूलकर बना होता है ना, मतलब एक प्रकार का सरल और संयुक्त जैसा रूप माना जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा जी। ये आपको सरल फूल वाले लिए टॉपिक के थ्रू मैं आपको बता चुका हूं, आप एक बार इनको जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 का क्वेश्चन। देखिए, कवकों में कौन से प्रकार का पोषण पाया जाता है। कवक, कवक क्या होते हैं जानते हो क्या, फंगस, फफूंद, बुफड़, जो अचार वगैरह पे सफेद सफेद सा पाउडर होता है ना भाई, वही होता है। देखो बात करते हैं इनके अंदर, कवक के अंदर, कि कवक में कौन से प्रकार का पोषण मतलब न्यूट्रिशन कौन सा पाया जाता है। तो देखो, परजीवी मतलब पैरासाइटिक, क्या ये दूसरे के शरीर पे रहते हैं, रह सकते हैं, जैसे आजकल ब्लैक फंगस अपनी बॉडी के अंदर था। सहजीवी, साथ साथ में रह सकते हैं, तो इसका उदाहरण हो गया ब्लैक फंगस। सहजीवी तो मैं वो कह सकता हूं, क्या ये लाइकेन नहीं हो सकते क्या, ये किसी भी अचार वगैरह फूड वगैरह कोई जीव मर जाता है उसके ऊपर, अनाज उसको ढक के रख देते हैं, उसके ऊपर एक सफेद सी परत बन जाती है, मृतोपजीवी, सेप्रोफाइटिक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, सभी। लेकिन ये पूछ लेता कि इनमें सबसे ज्यादा या मुख्यतः कौन सा पाया जाता है, तो कंफ्यूजन है या नहीं है। तो बेटा जी तब आंसर मृतोपजीवी बोल देते है ना, सहजीवी बोल देते या परजीवी बोल देते। लेकिन सोचो एक बात कि ये कोई सा भी अपन ने बोल दिया, अपनी तरफ से तो सही हो गया, लेकिन वास्तव में सही कौन सा है। तो मुख्यतः अगर पूछते ना, तो आंसर हमेशा याद रखना ये दूसरों पर डिपेंड रहता है, ये हमेशा क्या है, दूसरों पर सर्वाइव करता है। तो परजीवी रूप इसका हो सकता है, सहजीवी हो सकता है, मर्तोपजीवी हो सकता है, सही है ये। लेकिन क्वेश्चन में अगर मान लो यहाँ पर नाम दे दिया कि मुख्यतः कौन सा होगा, तो आपको बिल्कुल भी इतना नहीं दिमाग लगाना है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो परजीवी रूप है सामान्यतः, दूसरों पर जीवित रहकर दूसरों पर पोषण के लिए जिंदा रहता है एक तरीके से। ये मर्तोपजीवी का उदाहरण, लेकिन बैक्टीरिया में मर्तोपजीवी सबसे ज्यादा होता है ना, इसलिए मिस्टेक मत कीजिएगा। है तीनों सही आंसर है, लेकिन आपको डिपेंड है, आपको समझ ये होनी चाहिए कि उसके अधिकतर कैसेज आपको कौन से मिलते हैं, इस बेस पे मैं बोल रहा हूँ बेटा। जैसे तर्क तंतु निर्माण में उत्तरदायी कोशिकांग क्या है, अब कई बच्चों को ये नहीं पता टॉपिक कहाँ से आया है। सेल डिवीजन है, और सेल डिवीजन में देखा होगा कि दो है ना जी, जो दो ध्रुव होते हैं उनके बीच के अंदर यहाँ पर गुणसूत्र पड़े होते हैं, इन गुणसूत्रों को एक धागे के द्वारा जोड़ा जाता है, ऐसे जोड़े हुए रहते हैं आपस में, इन धागों को कहा जाता है तर्कु तंतु मतलब स्पिंडल फाइबर।
क्या कहा जाता है? स्पिंडल फाइबर। ये है ना, ये स्पिंडल फाइबर कौन बनाता है, मतलब कौन सा सेल ऑर्गेनेल कोशिकांग उत्तरदायी होता है? तो क्या वैक्यूल होती है? रसधानी नहीं होती, ये तो फूड वाटर वेस्ट मटेरियल या एंजाइम्स को स्टोर करती है। कारकिका मतलब सेंट्रियोसोम या केंद्रक, तो केंद्रक तो ब्रेन ऑफ सेल है, कंट्रोलर है, रेगुलेटर है ना। तो आंसर राइबोसोम की भी बात कर लेते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री है ये तो सहायता कर सकता है लेकिन कोशिका ये निर्माण नहीं कर सकता, तो इसका प्रभावी आंसर होगा तारका है। क्यों? क्योंकि ये जंतु कोशिकाओं में ही मिलता है, ये विशेष इसका जो काम होता है वो जो केंद्रक में जो केंद्रिका होती है, एक केंद्रक होता है ना, उस केंद्रक के अंदर एक छोटी सी गुणसूत्र के पास केंद्रिका भी होती है, ये केंद्रिका होती है, इसके साथ मिलकर ये तर्क तंतु बनाता है। तो ये प्रोटीन फैक्ट्री भी नहीं होगा, केंद्रक भी नहीं होगा, आंसर होगा तारका है। क्लियर है बेटा जी? चलो इसी तरीके के बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। देखो जैसे मैं बात करता हूँ, डीडीटी क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, जो ये डीडीटी है ये क्या है, ये समझ में आ रही बात? इसके आधार पे बात करनी है। तो ये क्या जैव अपघटनी प्रदूषक है? मतलब क्या इसको जीवों के द्वारा, जलीय जीवों के द्वारा या किसी जीव द्वारा अपघटित किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है इसको? तो मैं आंसर बोलूंगा कि इसको है ना जी, इसको नहीं तोड़ा जा सकता। ये क्या प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक मतलब इम्यून सिस्टम बनाने में काम आती है क्या, बताओ? नहीं आती ना, तो नहीं, तो सभी हो ही नहीं सकता। आंसर क्या होता है? अजैविक। ये अगर मैं खेतों में डाल दूंगा और वो बारिश के कारण वो डीडीटी बहकर खेतों से नदियों में चली जाएगी, नदियों से समुद्र में चली जाएगी ना, तो बेटा जी वो है ना जी वहां पर जलीय जीवों द्वारा नहीं तोड़ी जा सकती। वो जलीय जीव खाएंगे, उनकी बॉडी में जमा हो जाएगा, उनको मनुष्य खाएगा, मनुष्य की बॉडी में जमा हो जाएगा, फिर अपना हानिकारक प्रभाव दर्शाएगा। तो ये एक कीटनाशी है बेटा जी, समझ में आ रही है ना? कीटों को नाश करने के लिए मोस्टली इसका काम किया जाता है, ये इसका यूज किया जाता है। तो ऐसे ऐसे अपन को क्वेश्चन लेने हैं, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, ठीक है? थोड़ी स्पीड मैंने तेज रखी क्योंकि एग्जाम में याद रखिएगा कि जवान की पहचान उसकी रफ्तार होती है, और रफ्तार इतनी रहनी चाहिए कि आपकी बॉडी उसको कंट्रोल कर सके, आपका ब्रेन उसको समझ सके, ठीक है? तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं नवीन चौधरी आपका इस ऐप के थ्रू बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे भरोसे के साथ आप बहुत प्यार दर्शा रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है संस्कृत समृद्धि क्लासेज में। आज की क्लास में आपके मॉडल टेस्ट पेपर थर्ड को हम सॉल्व करने वाले हैं। फिजिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो आपके डाउट रह गए थे, जो आपसे हल नहीं हो पाए थे, उनको आज हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर सामने स्क्रीन पर। टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, समय को बिल्कुल भी नहीं गंवाएंगे और सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन देखें तो 99 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन है, यानी कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात की जा रही है। तो प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना में प्रकाश की आवृत्ति का मान, मान के बाद में डैश होना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, चलता है इतना। तो प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना में प्रकाश की आवृत्ति का मान बढ़ता है, घटता है, शून्य हो जाता है या अपरिवर्तित रहता है। तो थोड़ा सा वर्बली मैं आपको समझाता हूँ। जब भी प्रकाश का परावर्तन होता है या अपवर्तन होता है, चाहे परिघटना परावर्तन की हो चाहे अपवर्तन की हो, प्रकाश की जो आवृत्ति है वो प्रकाश का एक मूलभूत गुण है। प्रकाश की बाकी की चाहे भौतिक राशियां चेंज हो जाए लेकिन प्रकाश की आवृत्ति कभी भी चेंज नहीं होती है। आपको ध्यान में रखना है कि चाहे अपवर्तन की परिघटना हो चाहे परावर्तन की परिघटना हो, प्रकाश अपनी आवृत्ति को कभी भी चेंज नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि अपवर्तन की परिघटना हुई, हवा में से प्रकाश चलता हुआ आया और वो पानी में घुसा मतलब अपवर्तन हो गया, तो प्रकाश की आवृत्ति चेंज हो गई। क्योंकि अगर प्रकाश की आवृत्ति चेंज हो जाएगी तो प्रकाश का रंग चेंज हो जाएगा। तो अगर सफ़ेद रंग की लाइट आ रही है हवा में से और वो अपवर्तन के बाद में पानी के अंदर एंटर हुई है, तो एंटर के बाद में भी वो सफ़ेद ही रहेगी, अपना रंग नहीं बदलेगी। क्योंकि अगर आवृत्ति में चेंज हो जाता तो प्रकाश का रंग चेंज हो जाता। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है डी। तो आपको ध्यान में रखना है, चाहे प्रकाश का परावर्तन हो चाहे प्रकाश का अपवर्तन हो, कोई सी भी परिघटना हो, प्रकाश की आवृत्ति कभी भी परिवर्तित नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 100 नंबर का यानी कि 100 यानी कि 100 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निर्वात में
यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निर्वात में ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है वह कहलाती है, यानी कि जहाँ पर वैक्यूम है, जहाँ पर निर्वात है, कोई माध्यम उपस्थित नहीं है, वहाँ पर ऊष्मा ऊर्जा कैसे चलती है। नीचे सामने आपके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है कंडक्शन, यानी कि सबसे पहला है चालन। अब देखिए, चालन में जब ऊष्मा ऊर्जा चलेगी तो वो चलेगी ठोसों में। मान लीजिए आपके पास में एक रॉड है, उसके एक सिरे को आप गर्म करें तो यहाँ से ऊष्मा ऊर्जा चलती 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 पीछे तक आ जाती है और ये रॉड इतनी गर्म हो जाएगी कि आप इसको पकड़ नहीं पाओगे, होल्ड नहीं कर पाओगे और आपको छोड़नी पड़ेगी। तो ये जो प्रक्रिया है, यानी कि ठोसों के अंदर ऊष्मा ऊर्जा का जो स्थानांतरण होगा वो होगा चालन की प्रक्रिया से। यहाँ पर अगर संवहन देखें, यानी कि कन्वेक्शन देखें, तो यहाँ पर जो संवहन की प्रक्रिया है वो होती है तरलों में। अगर मैं पानी को गर्म करूँ तो पानी को गर्म कर रहा हूँ, पतीले में पानी भरा हुआ है और पानी गर्म हो रहा है नीचे से, लेकिन यहाँ से पानी की गर्मी ऊपर तक आ जाएगी, पानी गोल 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 घूमने लग जाएगा, नीचे जो जल के अणु या परमाणु है वो गर्म अणु या परमाणु ऊपर जाएंगे और ऊपर के ठंडे नीचे आएंगे। तो ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है संवहन। यहाँ पर ये जो विकिरण है, विकिरण को अंग्रेजी में बोला जाता है रेडिएशन, और ये जो विकिरण है ये एक्चुअली में क्या होते हैं, ये होते हैं फोटोन, और फोटोन का मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग। आपको ध्यान में रखना है, जो भी फोटोन है यानी कि जो भी विद्युत चुंबकीय तरंग है उसी का नाम है रेडिएशन। तो जो भी रेडिएशन है, ये रेडिएशन क्या करते हैं, ये माध्यम में तो चली सकते हैं, यानी कि पारदर्शी माध्यम है उसमें तो चली सकते हैं, लेकिन ये कहाँ पर चल सकते हैं, निर्वात में। तो आपने देखा होगा कि सूरज से जब प्रकाश आ रहा है, यानी कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें आ रही है वो निर्वात से चलती हुई आ रही है और पृथ्वी तक पहुँच गई। तो निर्वात में से जब फोटोन आ रहे हैं, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे विकिरण आ रहे हैं, तो ऊष्मा ऊर्जा आ रही है, आपको गर्मी लगेगी धूप में जाकर खड़े होगे तो, यानी कि निर्वात के अंदर ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण जिस प्रक्रिया से होगा इट इज कॉल्ड रेडिएशन। तो जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं तेजी में। 101 यानी कि 101 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है ये देखते हैं, मैं भी पढ़ लेता हूं, आप भी ध्यान दीजिएगा। तो 101 नंबर का क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, यदि नीचे की तरफ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से समझिएगा, यदि नीचे की तरफ आती हुई लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार घट जाता है, जो भी व्यक्ति है वो लिफ्ट में चल रहा है और उसको लग रहा है कि मैं हल्का हो गया, मैं भारी नहीं रहा, मैं हल्का हो गया। आपने देखा होगा बिल्कुल लिफ्ट जैसा केस होता है कहाँ पर, झूले में। तो बचपन में आपने जब झूला झूला होगा तो जब झूला ऊपर जाता है तो अपने को ऐसा लगता है अपने यहाँ पर, मतलब दिल के आसपास ऐसे भारीपन सा महसूस होता है और अपने को लगता है अपन भारी हो गए, और जब झूला नीचे आता है तो अपने को लगता है अपन हल्के हो गए। बचपन में मुझे भी लगा करता था और मुझे लगता था कि कोई बीमारी है केवल मेरे साथ में, ऐसा केवल मेरे साथ में नहीं है, सबके साथ में होता है। क्योंकि जब भी अपन झूले में या लिफ्ट में गति करते हैं और अगर झूला या लिफ्ट त्वरित गति कर रहा है, त्वरित का मतलब क्या, उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, जब झूला ऊपर जा रहा है तो आपको पता है उसका वेग कम होते 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 शून्य हो गया, रुक गया, अब नीचे आ रहा है तो वेग बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, अधिकतम हो गया। तो जब भी लिफ्ट त्वरित गति करती है या फिर झूला त्वरित गति करता है तो व्यक्ति का भार या तो बढ़ जाता है या घट जाता है। क्यों घटता है या बढ़ता है, इसके फार्मूलाज है। व्यक्ति का भार महसूस होता है प्रतिक्रिया बल यानी कि रिएक्शन फोर्स से। तो अगर रिएक्शन फोर्स घट गया या बढ़ गया तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका आभासी भार घट गया या बढ़ गया छदम बलों के कारण। तो यहाँ पर भी जो व्यक्ति है वो लिफ्ट में बैठा हुआ है और व्यक्ति का आभासी भार घट गया, वही झूला नीचे आ रहा है तो आपको लग रहा है आपका भार घट गया, तो वैसे ही लिफ्ट के अंदर व्यक्ति को लग रहा है कि उसका भार घट गया। तो लिफ्ट की गति होगी, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं शून्य गति नहीं होगी, त्वरित गति, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर लिफ्ट के वेग में परिवर्तन हो रहा है, त्वरित गति कर रही है, तो ही वस्तु का यानी कि अंदर जो व्यक्ति है उसका भार या तो घटेगा या बढ़ेगा, एक समान गति नहीं है, दोलन गति नहीं है। आपका 101 यानी कि 101 नंबर के क्वेश्चन को भी अपन देख चुके हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ, टाइम कम है इसलिए तेजी में क्वेश्चंस को देखेंगे, सॉल्व करेंगे अपन। तो यहाँ पर 102 यानी कि 102 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है, यानी कि ध्वनि तरंग के प्रकार के बारे में पूछा गया है। सामने कुछ ऑप्शन है, फर्स्ट इज दी लॉन्गिट्यूडिनल वेव यानी कि आपसे बोला गया है अनुदैर्ध्य तरंग, सेकंड इज दी अनुप्रस्थ तरंग यानी कि ये है ट्रांसवर्स वेव, उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग, और सबसे लास्ट में जो डी ऑप्शन है इट इज स्टेशनरी वेव यानी कि अप्रगामी तरंग। अब देखिए अनुदैर्ध्य तरंग क्या है, आपको पता है कि जब भी तरंगे चलती है यानी कि मैं बोल रहा हूं तो ध्वनि तरंग चल रही है, प्रकाश की तरंग आ रही है। तो जब भी तरंगे चलेगी तो तरंगों को चलने के लिए आवश्यकता होती है कंपन की। अब मान लीजिए तरंग जा रही है इस दिशा में और जो भी कंपन हो रहे हैं वो तरंग संचरण के लंबवत हो रहे हैं, तरंग जा रही है इधर और कंपन हो रहे हैं इधर। तो अगर तरंग संचरण के लंबवत कंपन हो रहे हैं तो ऐसी तरंग को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। तरंग जा रही है इधर और कंपन भी तरंग संचरण की दिशा में ऐसे हो रहे हैं,
तो ऐसी तरंग कहलाती है अनुदैर्ध्य तरंग, ध्यान में रखना है। विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है, सूरज से प्रकाश आ रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, और ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है ये भी एक प्रकार की अनुप्रस्थी तरंग होती है, ध्यान में रखना। आपसे पूछा जा सकता है कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि जो प्रकाश है वो भी कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग, यानी कि जब अपने पास में प्रकाश आता है, फोटोन आते हैं, तो जब प्रकाश चलता है यानी कि प्रकाश की किरण चलती है, तो जिस दिशा में प्रकाश जा रहा है उसके लंबवत कंपन होते हैं, और जैसे ही लंबवत कंपन हुए तो तरंग कौन सी होगी, अनुप्रस्थ तरंग। तो यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग भी है। और अप्रगामी तरंग क्या होती है, जो तरंगे दो स्थानों के बीच में बद्ध अवस्था में रहती है, बंधी हुई रहती है, और ऊर्जा का संचरण नहीं करती, यानी कि वो स्टेशनरी फॉर्म में होती है, वो ऊर्जा का संचरण नहीं करेगी, इट इज कॉल्ड अप्रगामी तरंग या स्टेशनरी वेव। जैसे मान लीजिए आपने एक रस्सी को बांध रखा है, अब अगर मैं उस रस्सी को खींचकर छोड़ूं तो रस्सी में तरंगे उत्पन्न होगी, रस्सी में घूमती रहेगी और कहीं पर जाएगी नहीं, तो उन तरंगों को अपन बोलेंगे अप्रगामी तरंग। अब यहाँ पर ध्वनि के बारे में पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जब ध्वनि तरंग चलती है तो जिस दिशा में ध्वनि की तरंग जारी है, तो जो भी कंपन होंगे माध्यम का, अणु या परमाणु जो कंपन करेगा, वो तरंग संचरण के लंबवत होंगे, यानी कि ध्वनि तो चलेगी ऐसे, और हवा के यानी कि माध्यम के जो है अणु या परमाणु है वो कंपन कैसे करेंगे, माफ कीजिएगा, ध्वनि तरंग चलेगी ऐसे और माध्यम के अणु या परमाणु कंपन कैसे करेंगे, जिस दिशा में ध्वनि तरंग जारी है उसी दिशा में कंपन करेंगे। तो ध्वनि तरंग चल भी ऐसे रही है और कंपन भी ऐसे होंगे। तो जिस दिशा में तरंग चली उसी दिशा में क्या हो रहे हैं, कंपन, और आपको पता है कि जिस दिशा में तरंग चलती है उसी दिशा में अगर कंपन हो तो ऐसी तरंग कहलाती है अनुदैर्ध्य तरंग। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ध्वनि है वो तो एक अनुदैर्ध्य तरंग है, लेकिन जो प्रकाश है, आपके पास में प्रकाश भी पूछा जा सकता था क्वेश्चन में, तो जो प्रकाश है वो है एक अनुप्रस्थ तरंग, और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। तो यहाँ पर 102 यानी कि 102 नंबर के क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर चुके हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो जो जल का घनत्व है उसका अधिकतम कब होगा, जल का घनत्व यानी कि जल के घनत्व का मतलब ये है कि जल किस टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा भारी होगा। घनत्व तो अधिकतम का मतलब यह है कि जो जल के अणु या परमाणु है यानी कि जो H2O के अणु है वो पास पास आ गए तो घनत्व तो अधिकतम हो गया, और अणु या परमाणु पास पास आ गए तो जल भारी हो गया, और घनत्व ये तो है अधिकतम। अब घनत्व न्यूनतम का मतलब अणु या परमाणु दूर दूर चले गए, और दूर दूर चले गए तो जल हल्का हो गया। अब देखिए होता क्या है, सामने कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सामान्यतः ये होता है कि जब भी अपन किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो वो फैलती है, फैलती है मतलब मान लीजिए ठोस वस्तु है उसको आप गर्म कर रहे हो तो वो पिघलेगी, और पिघलेगी तो वो फैलेगी यानी कि उसके अणु या परमाणु दूर दूर जाएंगे। लेकिन जल के साथ में उल्टा होता है, और जल के साथ में उल्टा क्यों है, जल को ये प्रॉपर्टी दी है ईश्वर ने, क्योंकि आपको पता है कि जितनी प्रजातियां थल पर रहती है उससे ज़्यादा प्रजातियां जल में रहती है, तो जल को भगवान ने प्रॉपर्टी दी है कि बाकी सब वस्तुओं से अलग एक गुण दिया गया है जल को, जिससे जो जलीय जीव हैं उनको ठंडे प्रदेशों के अंदर, आपने देखा होगा कि जब ठंडे प्रदेशों के अंदर ठंड ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पर नदियाँ की नदियाँ जम जाती है, और जब नदियाँ जम गई तो नदी वगैरह केवल ऊपर ऊपर से जमती है, नीचे पानी रहता है, और पानी रहता है तो जो भी जलीय जीव जंतु हैं वो नीचे की तरफ चले जाते हैं, और नीचे की तरफ चले जाते हैं तो वो मरने से बच जाते हैं, यानी कि उन जीवों के बारे में भी भगवान ने सोचा है। तो जल को एक प्रॉपर्टी दी है कि अगर मान लीजिए जल है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और अगर मैं उसको गर्म करूँ, बर्फ़ है, तो जैसे जैसे मैं गर्म करता जाऊँगा, ताप बढ़ाऊँगा, तो बाकी वस्तुएँ तो फैलेंगी यानी कि अणु या परमाणु दूर दूर जाएंगे, लेकिन जल के साथ में क्या होता है कि जब जल को गर्म किया जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मैं गर्म कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं जल को गर्म करूँगा तो जो H2O के अणु या अणु है वो पास पास आएंगे, और पास पास आएंगे यानी कि जल सिकुड़ेगा, और जल सिकुड़ेगा तो जल का घनत्व बढ़ेगा। अब जल का टेम्परेचर जैसे जैसे मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, और जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेकर जाऊंगा तो जो H2O के अणु हैं, जो जल के अणु हैं, वो सबसे ज़्यादा पास पास आ जाएंगे, यानी कि जल अधिकतम सिकुड़ चुका होगा, और अधिकतम सिकुड़ चुका होगा तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व क्या होगा, अधिकतम, और जल क्या होगा, सबसे ज़्यादा भारी होगा। तो आपने देखा होगा कि जब भी जल का घनत्व अपन देखते हैं तो हमेशा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही देखा जाता है, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व क्या होता है, अधिकतम, यानी कि जल अधिकतम भारी होता है। अब अगर जल को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा गर्म किया जाए तो फिर जो जल है वो बाकी के जितने भी पदार्थ हैं उनकी तरह सामान्य व्यवहार करने लगता है, यानी कि अब जो H2O के अणु, जल के अणु है, वो दूर दूर जाने लगते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जल का घनत्व अधिकतम होता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 104 नंबर का,
तो 104 नंबर का क्वेश्चन रटने का क्वेश्चन है, इसको अपन कैलकुलेट करके सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि जल के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है। गलन की गुप्त ऊष्मा का मान मतलब ये कि आपके पास में मान लीजिए बर्फ़ है, और बर्फ को आपको ऊष्मा ऊर्जा देकर कौन सी अवस्था में लाना है, द्रव अवस्था में। यानी कि जो भी पदार्थ है वो अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आएगा तो आपको कितनी ऊष्मा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो जल के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। यानी कि एक ग्राम बर्फ को पिघलाकर जल में बदलने के लिए आपको कितनी कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा चाहिए, 80 कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम यहां पर देखें तो 105 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कार्य का सामान्य सूत्र क्या है। तो कार्य का सामान्य सूत्र पूछा गया है, आपको पता है कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा क्या, विस्थापन। तो बल गुणा विस्थापन इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है कार्य। मान लीजिए कोई वस्तु है, उस वस्तु पर मैंने बल लगाया, इधर बल को मैं लिख रहा हूँ F से, और वस्तु चली, चली मतलब वस्तु ने विस्थापन लिया, तो विस्थापन भी इधर ही लिया। तो अब अगर मैं बल को विस्थापन से गुणा कर दूँ तो मैंने वस्तु पर कार्य कितना किया ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर कुछ फार्मूले दे रखे हैं, W इज इक्वल टू एफ एस, यहाँ पर W कार्य है, F बल है, और S क्या है, विस्थापन। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, W इज इक्वल टू एफ बाई एस, और W इज इक्वल टू एस बाई एफ। अब देखिए यहाँ पर सामान्यतः आपने जो राइट किया होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट ने उन्होंने इसको राइट किया होगा, जबकि बल का सामान्य सूत्र ये नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, इस केस में तो ये फार्मूला काम कर जाएगा कि मैं वस्तु पर बल भी इधर लगा रहा हूँ, वस्तु गति भी इधर कर रही है, यानी कि विस्थापन भी इधर ले रही है। लेकिन मान लीजिए आपके पास में कोई वस्तु है, कोई बच्चा है, कोई टॉय कार है, लेकर चल रहा है, उसने एक धागे से टॉय कार को बांध रखा है और ऐसे लेकर चल रहा है, तो जो भी बच्चा है वो टॉय कार को लेकर जब चल रहा है तो बल तो लग रहा है ऐसे टेढ़ा, और कार चल रही है ऐसे, यानी कि इस वस्तु पर बल तो लगाया जा रहा है ऐसे, ये टेढ़ा टॉय कार है, और ये वस्तु यानी कि ये जो कार है ये विस्थापन ले रही है इधर। अब बल और विस्थापन के बीच में जो कोण बना हुआ है वो है थीटा। तो अगर बल और विस्थापन के बीच में कोण थीटा हो तो जो भी कार्य है उसका फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा है बल और विस्थापन के बीच में बनने वाला कोण। अब अगर मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कर दूँ, 0 डिग्री कहाँ पर, इस वाले केस में कि वस्तु पर बल भी इधर लग रहा है और वस्तु विस्थापन भी इधर ले रही है, तो बल और विस्थापन के बीच में कोण बना हुआ है 0 डिग्री। और जैसे ही मैं 0 डिग्री करूंगा तो आपको पता है कि cos 0 डिग्री अपनी मैक्सिमम वैल्यू गेन करेगा, कितनी, 1। और जैसे ही cos 0 डिग्री 1 होगा तो W इज इक्वल टू एफ एस हो जाएगा, और ये जो कार्य है ये अधिकतम धनात्मक कार्य है। कौन सा कार्य है, अधिकतम धनात्मक कार्य। तो ये भी कार्य का ही सूत्र है, लेकिन ये अधिकतम धनात्मक कार्य का सूत्र है, और W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा जो फार्मूला है वो जल वो सॉरी कार्य का सामान्य सूत्र है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को सामने स्क्रीन पर। अब अगर अपन यहाँ पर 106 नंबर का क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किसी चालक तार के प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा। तो अगर मैं किसी चालक तार के प्रतिरोध का सूत्र देखूं तो पहला फार्मूला दे रखा है आपको R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। आपको ओम के नियम से पता है कि V इज इक्वल टू होता है कितना, RI। तो यहाँ से V तो क्या है, जो भी चालक तार है उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, I है चालक तार में प्रवाहित धारा, और R है चालक तार का प्रतिरोध। तो यहाँ से अगर मैं R का फार्मूला निकालूँ और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके I को नीचे भेजूँ तो ये फार्मूला सही है। यहाँ पर R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि प्रतिरोध का एक फार्मूला ये भी होता है। मैंने आपको निकाल कर भी बताया था कि जो भी प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती है, सबसे पहली बात। तो प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है, और आपको ये पता है कि जो प्रतिरोध है वो चालक तार की मोटाई यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, फार्मूला 2। अब अगर मैं समीकरण 1 और 2 को मिलाकर लिखूं तो मैं लिख सकता हूं R प्रोपोर्शनल L बाई A। अब यहां से अगर मैं समानुपाती या प्रोपोर्शनल के साइन को हटाता हूं तो R इज इक्वल टू रो L बाई A, और ये जो रो है ये क्या है, चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, यानी कि ये वाला फार्मूला भी सही है। यहाँ पर अगला आपके सामने लिखा हुआ है R इज इक्वल टू टेन थीटा। अब देखिए इसको देखते हैं, ओम का नियम कहता है कि जो भी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है वो चालक तार में प्रवाही धारा के समानुपाती होता है। अब अगर मैं वोल्टेज के बीच में और करंट के बीच में ग्राफ बनाऊं, यानी कि V के बीच में और I के बीच में ग्राफ बनाऊं, तो आपको पता है समानुपाती का संबंध है तो सीधी रेखा आएगी।
अब ये जो सीधी रेखा है, मान लीजिए एक्स अक्ष के साथ में कोण बना रही है थीटा, और थीटा कोण बना रही है, तो यहाँ पर मैंने जो वैल्यू ले रखी है वो तो है वोल्टेज, और यहाँ पर है करंट। मैं ये जो ट्रायंगल बना है इसको नाम दे रहा हूँ ओ ए बी। अब अगर मैं इस त्रिभुज ट्रायंगल ओ ए बी से अगर मैं बात करूँ, तो ये जो ओ ए बी है इसका मैं टेन ले लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से टेन थीटा लूँ, तो आपको पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। तो लंब ये रहा सामने, तो लंब तो होगा वी का, और आधार ये रहा सामने, तो आधार होगा आई का। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आई। लेकिन आपको तो पता है कि वी अपॉन आई तो आर था, तो मैं इस वी अपॉन आई को आर भी लिख सकता हूँ, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा टेन थीटा। तो यानी कि जो भी प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध का अगर अपन फार्मूला देखें, किससे, वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ बना रहे हैं, और वोल्टेज को अगर अपन वाई अक्ष पर ले, करंट को ले एक्स अक्ष पर, तो जो भी चालक तार का प्रतिरोध है उसका एक फार्मूला टेन थीटा भी आता है, तो ये भी सही है। यानी कि यहाँ पर ए बी सी तीनों ही ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो 106 नंबर का क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा डी। इसी क्वेश्चन के साथ में आज की क्लास को समाप्त करता हूँ, कल आपसे फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए विदा दीजिए, नमस्कार। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग। तो आपका जो केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ है उसका हम सॉल्यूशन आज कर रहे हैं। केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 107 आपको पूछा गया था कि पानी एवं चोक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, यानी क्या हो गया, पानी है, पानी का गिलास लिया, उसके अंदर चोक का अगर पाउडर डाल दें तो उसको कैसे अलग किया जा सकता है, तरीका क्या है। ध्यान रखना, वो तरीके यूज लिए जाते हैं जिनके अंदर सबसे कम कॉस्ट आती हो और जो इजीली इसको काम में लिया जा सके। अब देखो इसमें क्या क्या है। पहला है, इसमें जो विधि है वो पहला है अवसादन से, दूसरा है वाष्पन से, तीसरा है आसवन से, और चौथा है वो है निस्यंदन से। देखो अवसादन क्या होता है, इसमें जो यूज लिया जाता है, मेथड यूज लिया जाता है, वो अवसादन मेथड है, उसमें यूज लिया जाता है। ये मेथड क्या होता है कि आपने एक गिलास पानी का लिया, मान लो उसके अंदर आपने मिट्टी डाल दी और उसको हिला दिया। अब क्या होगा, हिलाने पे क्या हो जाएगा, वो पानी सारा का सारा गंदा हो जाएगा, मिट्टी वहां पर है। अब अगर उस पानी को हम थोड़ी देर पड़ा रहने दे, मतलब उसको 5 या 7 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट हम पड़ा रहने दे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो मिट्टी के कण है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नीचे बैठने लग जाएंगे। और कुछ टाइम बाद में आप देखोगे कि बिल्कुल साफ पानी है वो बिल्कुल ऊपर है, और जो मिट्टी के कण थे वो सारे के सारे कहां बैठ गए, नीचे बैठ गए। देखो ऐसे जिनके अंदर पार्टिकल प्रॉपर्टी होती है उनकी, यानी उनके अंदर कुछ ना कुछ मास होता है, तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उसकी वजह से वो सारे के सारे कहां आ जाएंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो पानी और चोक की अगर हम बात करें, तो जो चोक के पार्टिकल है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हो जाएंगे, अगर हम पानी और चोक को मिक्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, कुछ देर पड़ा रहने देंगे तो क्या हो जाएगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कहां आएंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब वो सारे के सारे जो चोक के पार्टिकल्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आ जाएंगे, और ऊपर क्या रह जाएगा, पानी रह जाएगा, बिल्कुल प्योर पानी मिलेगा। आप उसको क्या कर सकते हो, बिल्कुल इस तरीके से दूसरे गिलास में डाल सकते हो, और वो जो चोक का पाउडर रहा है वो कहां रह जाएगा, नीचे रह जाएगा। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, अवसादन मेथड बोलते हैं। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जो मेथड होगा वो कौन सा होगा, अवसादन मेथड होगा। तो अवसादन मेथड क्या हुआ कि नॉर्मली कोई भी, मान लो कोई सॉलिड पार्टिकल है, वो अगर पानी के अंदर पड़ा है तो टाइम के साथ में वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कहां जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, और ऊपर है साफ पानी मिल जाएगा। दूसरा वाष्पन से, अब एक बात बताओ, वाष्पन अगर करोगे तो पानी सारा का सारा क्या हो जाएगा, इवेपोरेट होगा, उड़ेगा वो। अब उसको कलेक्ट करने के लिए जो उड़ा हुआ पानी है, बताओ कितना टाइम लगेगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा। और जो मेथड है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हीट भी करना पड़ेगा, हीट करने के बाद में उसकी भाप बनेगी, उसको फिर कलेक्ट भी हमें करना पड़ेगा। तो वाष्पन में काफी टाइम लग जाएगा, और उतना अच्छा मेथड भी नहीं है। कौन सा, चोक और पानी के लिए अच्छा मेथड नहीं है।
ध्यान रखना इसके मिक्सचर के लिए। आगे क्या है, आश्वासन से, आश्वासन से यानी डिस्टिलेशन मेथड। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हमें आरबी में लेना पड़ेगा, उनका मिक्सर लेना पड़ेगा चोक और पानी का, और उसके बाद में कंडेंसर के थ्रू क्या हो जाएगा, उसका क्या होगा स्टीम बनेगी पानी की, और फिर हमें दूसरे वहां पर जो राउंड बोतल फ्लास्क है उसमें हमें कलेक्ट करना पड़ेगा। बताओ ये वाला मेथड भी कितना कॉस्टली है, हमें इसमें इनमें इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। और निस्यंदन क्या होता है, जिसके अंदर अगर हम पानी और चोक का है, जो पानी और चोक का जो मिक्सचर है उसको अगर हम छान ले, और नॉर्मली इसको जो छाना जाता है वो वाट्समन फिल्टर पेपर से छाना जाता है, वाट्समन फिल्टर पेपर है उसमें से लिक्विड पानी है वो तो आ जाएगा, लेकिन पार्टिकल्स है वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि उन पार्टिकल्स की इतनी साइज छोटी होती है कि उसमें से भी कुछ जो चौक के पार्टिकल्स है वो भी उसमें से आ जाएंगे। तो क्या ये उतना अच्छा मेथड है, नहीं है। सबसे अच्छा मेथड है वो कौन सा है, अवसादन मेथड है वो सबसे अच्छा मेथड है। कुछ देर पड़ा रहने दो, ग्लास है उसमें कुछ देर पड़ा रहने दो, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे बैठ जाएगा और पानी को दूसरे किसी ग्लास में हम ले सकते हैं, बिल्कुल किसी भी कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छा मेथड है अवसादन मेथड। तो अवसादन मेथड समझ में आया, इस अवसादन मेथड में और निस्यंदन मेथड में दोनों में अंतर समझ में आ गया। इसमें हमें छानना पड़ता है, कोई ना कोई हमें फिल्टर लेना पड़ता है, नॉर्मली वाट्समन फिल्टर पेपर लेते हैं इसमें, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो पहला समझ में आ गया। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आगे 107 हो गया, 108 नंबर है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर एनटीपी है ना, गैसेज के लिए सबसे ज्यादा यूज लिया जाता है इसको, जो गैसेज होते हैं उनके लिए। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर एनटीपी क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है, कोई सी भी गैस है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे उस गैस का कितना वॉल्यूम होता है। बिल्कुल मैथमेटिकली ये प्रूफ है कि उसका वॉल्यूम है वो कितना है, अगर हम मैथमेटिकली यहां पर बात करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी भी गैस के एक मोल, ध्यान रखना एक मोल, उसका वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है 22.4 लीटर, ध्यान रखना याद होना चाहिए, कितना 22 लीटर भी लिखा हुआ है, कितना होगा 22.4 लीटर। यहां पर इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसका सही आंसर है वो होगा 22.4 लीटर, इसका मतलब 63.5 लीटर ये भी नहीं होगा, 10 × 10⁻⁵ लीटर ये भी नहीं होगा, और 22 लीटर भी नहीं होगा। कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर हो गया, 109 नंबर, मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण से प्रयुक्त, हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है। आपने डाल्टा घी का नाम सुना है, डाल्टा घी पहले मतलब काफी इसको यूज लिया जाता था है ना, तो डाल्टा घी है वो कैसे बनाया जाता है, तरीका क्या है। जो नॉर्मल हम जो ऑयल यूज लेते हैं, चाहे आप मूंगफली का ऑयल ले लो, जो भी ऑयल ले लो, वो क्या होते हैं, उनके अंदर अनसेचुरेटेड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, मतलब असंतुलित बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो क्या करते हैं, जो मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण, इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी अगर हम बात करें, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पूछा जाता है, कई बार आपने इस क्वेश्चन को बहुत सारे एग्जाम्स में भी देखा होगा। क्या होगा, मूंगफली का तेल यानी जितने भी ऑयल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड होते हैं, मतलब उनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो क्या होगा कि जो मूंगफली का ऑयल है, यानी ऑयल है जो मूंगफली का ऑयल है, इसके अंदर अनसेचुरेटेड बॉन्ड होते हैं, अनसेचुरेटेड बॉन्ड। अनसेचुरेटेड का मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, और क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। हिंदी में क्या बोलते हैं अनसेचुरेटेड को, असंतृप्त। अब क्या हो जाएगा, इसके जब रिएक्शन करवाते हैं H2 से, तो हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, प्लस अगर H2 से रिएक्शन करवाएं तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा, यानी इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर इधर भी H जुड़ गया और यहां पर भी क्या जुड़ गया, H जुड़ गया। तो ये जो असंतृप्त था वो किस में चेंज हो जाएगा, संतृप्त में चेंज हो जाएगा, सैचुरेटेड में चेंज हो जाएगा। तो ये जो किया जाता है, यानी मूंगफली के तेल में कोई ऑयल है, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण, इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, ये जो रिएक्शन करवाते हैं,
ये किसके कौन से उत्प्रेरक की प्रेजेंस में करवाते हैं? उत्प्रेरक वो पदार्थ होता है जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और वो रिएक्शन होने के बाद में उससे क्या हो जाए, अलग हो जाता है। बहुत ही कम अमाउंट में यूज लिया जाता है, बहुत ही कम अमाउंट में इसको यूज लिया जाता है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो यहां पर उत्प्रेरक की तरह काम कौन करता है? देखो, निकल, प्लेटिनम, तांबा और लोहा किसको यूज लिया जाता है? बहुत एग्जाम में आपने देखा होगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, निकल को यूज लिया जाता है। किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन? निकल की प्रेजेंस में होती है। टेम्परेचर भी हाई होता है, लगभग 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर रखा जाता है और प्रेशर भी रखा जाता है, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और निकल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। प्लेटिनम नहीं यूज लिया जाता है, बहुत महंगा होता है प्लेटिनम, सोना होता है उससे भी महंगा होता है प्लेटिनम, प्लेटिनम को यूज नहीं लिया जाता है। अगर इसको यूज लेंगे तो कंपनियां लूट जाएगी, नहीं यूज लिया जाता है प्लेटिनम, बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो तांबा, तांबा को भी यूज नहीं लिया जाता है यहां पर, और लोहा, लोहे को भी यूज नहीं लिया जाता, मतलब आयरन, इसको भी यूज नहीं लिया जाता है। तो किस कौन से कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है? निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये जो ऑयल होते हैं उनको अनसैचुरेटेड को किस में चेंज किया जाता है? सैचुरेटेड में किया जाता है निकल के प्रेजेंस में, ठीक है, समझ में आ गया। ओके ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रश्न, 109 नंबर हो गया, अब हम चलते हैं 110 की तरफ। कुकिंग गैस मिश्रण है, जो आप सिलेंडर यूज लेते हो ना, ये कौन सी गैस का मिश्रण है? हाइड्रोजन और हीलियम नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन और CH4 नहीं, ब्यूटेन और प्रोपेन बिल्कुल इनका मिक्सचर होता है। जो कुकिंग गैस आप जो यूज लेते हो सिलेंडर में, जो भरी हुई होती गैस है, उसके अंदर किसका मिक्सचर होता है? ब्यूटेन गैस का और प्रोपेन गैस का मिक्सचर होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा इसका ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम नहीं होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन और CH4 मीथेन नहीं होगा, कौन सा होगा? ब्यूटेन और प्रोपेन इसका आंसर होगा, ठीक है ना। आपने देखा होगा ना जो ये सिलेंडर्स होते हैं उसके ऊपर देखना आप वहां पर, ठीक है, उसका क्या क्या उसमें प्रेजेंट होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलें, क्योंकि इनका जो नॉर्मल है, देखो आप याद करने का इनका जो तरीका है ना वो ये है कि आप खुद सोचो कि हमारे जो हम कुकिंग डेली जो यूज लेते हैं उसके अंदर है क्या, तो अपने आप सिलेंडर को देखते हो आपको ये चीजें दोनों पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट में चले, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, क्यों होती है एसिडिक रेन जो होती है? देखो, मैंने आपको जो पिछला जो टेस्ट था उस पिछले टेस्ट के अंदर एक चीज बताई थी, वहां पर एक क्वेश्चन आया हुआ था, उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जो नॉन मेटल होते हैं ना, उन नॉन मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? जो नॉन मेटल है, जो पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात कर रहे थे, इधर की तरफ मेटल्स थे, यहां पर नॉन मेटल्स थे और बीच में यहां पर ट्रांजिशन मेटल्स, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि नॉन मेटल्स है उनकी क्या नेचर होती है, नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी क्या नेचर होती है, क्या नेचर होती है? एसिडिक, मैंने आपको बताया था। तो देखो यहां पर SO2 और NO2 ये नॉन मेटल है, इनके जो ऑक्साइड होंगे इनकी जो नेचर होगी वो क्या होगी? एसिडिक नेचर होगी, और एनवायरमेंट में SO2 और NO2 होने की वजह से ही एसिडिक रेन होती है, अम्लीय वर्षा इसी वजह से होती है। तो वो जो वहां पर प्रश्न था वो यहां पर लिंक है, याद हुआ, ठीक है। नॉन मेटल होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से अम्लीय वर्षा होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी होगा, बीपी होगा और सीबी होगा, ये बीपी होगा सही आंसर है और ये सीबी होगा, और ये ऑप्शन किस में दिया हुआ है? यहां पर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? ये इसका नहीं होगा। तो सही आंसर कौन सा है? ये वाला आंसर है, अम्लीय वर्षा, ठीक है, उस प्रश्न से लिंक था। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 111 हो गया, 112 है कि कृत्रिम सिल्क के नाम से किससे जाना जाता है? कृत्रिम यानी नेचुरल क्या है, ठीक है ना, जो नेचुरल है वो, देखो जितने भी ये जो पॉलीमर होते हैं ना, लगभग जो पॉलीमर्स है, ठीक है ना, जो हम यूज लेते हैं चाहे कपड़ों में यूज लेते हैं, ये क्या होते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है ना, कोई इनके अंदर केमिकल यूज लिया जाता है,
और अगर यही नेचुरल अगर मिल जाए हमें, नेचुरल जो पॉलीमर है जैसे सेलुलोज, जितने भी प्लांट्स वगैरह होते हैं इनके अंदर सेलुलोज है वो खूब भर के होता है यहां पर, तो उनसे जो पॉलीमर बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, कृत्रिम सिल्क बोलेंगे। तो इसका जो सही आंसर है, नायलोन भी कृत्रिम सिल्क नहीं कहलाता है। नायलोन के अंदर यहां पर एमाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डेक्रोन डेक्रोन भी नहीं, रेयोन बिल्कुल, मेलामाइन ये भी नहीं होता है। कौन सा हो जाएगा, सेलुलोज है, नेचुरल है, वो किस में प्रेजेंट होता है, रेयोन में प्रेजेंट होता है, ना इसमें होता है ना इसमें होता है ना ही इस मेलामाइन में होता है, किस में होता है, रेयोन में सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से, सेलुलोज होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम सिल्क बोलते हैं। तो क्यों रेयोन को कृत्रिम सिल्क बोला जाता है वो समझ में आया कि नहीं आया, इनमें केमिकल जो है इनमें सब में केमिकल के थ्रू बनता है, जबकि ये नेचुरल जो सेलुलोज प्रेजेंट होता है उससे बनता है ये वाला। तो सही आंसर क्या होगा, कृत्रिम सिल्क किससे बोलते हैं, रेयोन को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसका मतलब इसका जो सही आंसर हुआ वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा रेयोन, यानी नायलॉन भी नहीं होगा, डेक्रोन भी नहीं होगा और मेलामाइन भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 112 के बाद में क्वेश्चन नंबर 113, विश्व उष्णन के लिए कौन सी कृत्रिम गैस खतरनाक होती है। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जो ओजोन लेयर है उसके प्रोटेक्शन के लिए सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हमारे धरती का टेम्परेचर आपने देखा होगा, आज से 20-25 साल पहले मैंने खुद ने एनालाइज किया है कि पहले बहुत इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी जितनी अब गर्मी पड़ रही है, मतलब 20-25 साल के अंदर मैंने खुद ने इस चीज को एनालाइसिस किया है। ये किस वजह से हो रहा है, आपने देखा होगा आजकल बहुत ज्यादा जो है फ्रिज में इनमें या और जो चीजों में गैसेज भरी जाती है वो कौन सी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस भरी जाती है, जिसके ऊपर रोक भी लगा दी गई है। क्यों, क्योंकि उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ये हमारे खुद के द्वारा बनाई हुई आपत है, मोल ले रहे हैं उसको हम, कौन सी, ये फ्यून। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ठीक है CO2 वगैरह ये चीजें हैं, लेकिन अभी देखते हुए सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो कौन सी है, फ्रियोन गैस है, यहां पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, बैन भी कर दिया गया इसको कई जगह पे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, सबसे जो खतरनाक की अगर हम बात करें जिसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग में, धरती के टेम्परेचर बढ़ने में, तो सबसे ज्यादा जो होता है वो किसका होता है, फ्रियोन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उस गैस का होता है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, कई बार पेपर्स में भी पढ़ा होगा कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है उसके ऊपर बैन लगी गई है, फ्रिज वगैरह इनमें नहीं इसको भरा जा रहा है। क्यों, इस वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ठीक है, ओके, अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में क्या मिलाया जाता है। देखो, जो हम नॉर्मल अगर गैस जो भी ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, क्या होगा, एनवायरनमेंट में CO2 भी प्रेजेंट है, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, और हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ में ये कह रहा है कि कौन सी गैस है उसको यूज लिया जाता है, तो उसके अंदर जो गैस जो यूज ली जाती है वो गैस ली जाती है, हीलियम गैस है, इसको यूज लेते हैं। आखिर हीलियम गैस को क्यों यूज लेते हैं, देखो क्योंकि जैसे ही जो सिलेंडर होता है उसमें से ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे नाक पे लगाई जाती है, तो वो जो ऑक्सीजन होता है वो काफ़ी हाई प्रेशर पे होती है, तो होगा क्या कि हमारी बॉडी में अगर इसके साथ में नाइट्रोजन अगर घुला हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, हमारे ब्लड में उसके सोल्युबिलिटी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। हीलियम गैस एक ऐसी गैस है जो हाई प्रेशर पे भी, मैं आंसर बता रहा हूं ध्यान रखना, अब आंसर क्या होगा, हीलियम एक ऐसी गैस है जो हाई प्रेशर पे भी हमारे ब्लड में सबसे कम सोल्यूबल होती है, क्योंकि अगर ब्लड में सोल्यूबल होगी कोई गैस तो वो क्या होगा, उसका साइड इफेक्ट मिलेगा। हीलियम एक ऐसी गैस है जो हमारे ब्लड में सबसे कम सोल्यूबल होती है हाई प्रेशर पे, क्योंकि सिलेंडर में जो हम यूज करते हैं वो जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, हाई प्रेशर पे होती है। ठीक है, तो अगर आप बाकी के गैसें यूज लेंगे तो ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन के साथ में क्या होगा, हमारे ब्लड में सोल्यूबल होगी वो गैस, लेकिन हीलियम गैस है वो हमारे ब्लड में सोल्यूबल सबसे मिनिमम होती है, इसी वजह से इसको यूज लेते हैं, क्योंकि बाकी जो गैसेज होते हैं वो ब्लड में सोल्यूबल हो जाती है, नाइट्रोजन भी इवन हाई प्रेशर के ऊपर वो सोल्यूबल हो जाती है। ठीक है ना, तो उसको कम करने की सबसे कम जो प्रॉपर्टी होती है वो किस में होती है, हीलियम गैस में होती है। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अब देखो
नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अग्निशामक के रूप में कौन सा बहुलक काम में आता है, कौन सा पॉलीमर है जो अग्निशामक जो यंत्र होता है उसमें यूज लिया जाता है, या उसके अलावा भी जो अग्निशामक यंत्र यूज लेते हैं, जो भी उनको चलाते हैं, या कहीं पे भी आग लगती है तो जो लोग जाते हैं वो कपड़े किस चीज के पहने हुए होते हैं उनके, और उसको क्यों पहनते हैं वो लोग, है ना, तो वो कौन सा पॉलीमर है उसको यूज लेते हैं। देखो जो मेलामाइन पॉलीमर होता है ना उसको यूज लिया जाता है, क्योंकि मेलामाइन अकेला पॉलीमर भी नहीं होता, मेलामाइन के साथ में फॉस्फेट होता है, ठीक है, मेलामाइन पॉलीमर है उसके साथ में फॉस्फेट का सोल्ट होता है उसको यूज लिया जाता है। मेलामाइन को क्यों यूज लिया जाता है, क्योंकि इसमें हीट रेजिस्टेंस की पावर होती है, फायर रेजिस्टेंस की इसमें पावर होती है, और जब आग है वो अगर पास में आती है इसके और जैसे ये हीट होता है, टेम्परेचर हाई होता है, तो बहुत सारे ऐसे इसके कुछ कपड़े ऐसे बने होते हैं जिनके अंदर क्या होती है, स्टीम निकलने लग जाती है और कुछ ऐसे गैसेज निकल जाती है जिसकी वजह से उस फायर का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो कौन से को यूज लिया जाता है, मेलामाइन को यूज लिया जाता है, बेकेलाइट को यूज नहीं लेते हैं, हाई टेम्परेचर बेकेलाइट जलने लग जाएगा, जबकि हाई टेम्परेचर पे जो फायर है उससे मेलामाइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, उतना इफेक्ट बहुत ज्यादा अगर फायर होगा तब तो हो सकता है, बट फिर भी इसका कम इफेक्ट होता है। बेकेलाइट है जो नॉर्मल बेकेलाइट आप जितने भी स्विच वगैरह होते हैं उनके अंदर यूज लेते हैं, हाई टेम्परेचर पे आपको पता है वो भी पिघलने लग जाते हैं, ठीक है, तो बेकेलाइट है वो भी नहीं होगा। पीवीसी पॉलीविनाइल, यहां पर पीवीसी, ठीक है, क्या होगा ये वाला, नहीं होगा, ये तो नॉर्मल है पिघल जाएगा, तो पीवीसी को यूज नहीं लेते हैं। पीएएन, ठीक है, पॉलीएक्राइल नाइट्राइल यूज लेते हैं, नहीं लेते हैं, पिघल जाएगा ये वाला। तो आग से बचने के लिए कौन सा लेते हैं, मेलामाइन है, इसको यूज लेते हैं, समझ में आ गया, ठीक है, इनको क्यों यूज नहीं लेते वो चीज भी समझ में आ गई, इसमें फायर रेजिस्टेंस की पावर होती है इस वजह से, और मेलामाइन के साथ में फॉस्फेट सॉल्ट है उसको यूज लिया जाता है, ठीक है ना, ओके। तो अब इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, मेलामाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो टेस्ट नंबर थर्ड है इसका केमिस्ट्री का कंप्लीट सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, ठीक है, नमस्कार। नमस्कार साथियों, संस्कृत समृद्धि क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन। हम यहां पर मॉडल पेपर तीसरे के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित की शिक्षण विधियों के जो प्रश्न आप लोगों ने किए हैं उसको हल करते हैं। आशा करता हूं कि आपने इन 15 प्रश्नों को सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया होगा, राइड किया होगा। चलिए चर्चा करते हैं, देखते हैं कि हमारे वो 15 प्रश्न कौन से थे, उनका सही आंसर क्या रहा, हमारे अंदर क्या चुक हो गई, उसकी ओर बढ़ते हैं। चलिए 136वां प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षा स्तर, यहाँ प्राथमिक कक्षा स्तर का मतलब है 1 से 8 विद्यालय की बात होती है, ठीक है, समझना। प्राथमिक कक्षा स्तर पर सामान्य विज्ञान शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य कौन से है, कि सामाजिक विज्ञान जो है, सामान्य विज्ञान जो है, जनरल साइंस है, जनरल साइंस से संबंधित कौन कौन से उद्देश्य सामान्य तौर पर प्राथमिक स्तर तक आते हैं जो आपने बीएड एसटीसी में किए, ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग, कौशल रुचियां अभिवृत्तियां, योग्यताएं प्रशंसाएं, अवकाश काल का सदुपयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो उपयुक्त में से कोई नहीं है ही नहीं, क्योंकि इसने प्रश्न ने हमको उद्देश्य पूछा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। 3 ऑप्शन आपके सामने है, क्या योग्यता प्रशंसा और अवकाश काल का सदुपयोग, क्या यह सामान्य विज्ञान का उद्देश्य है, बिल्कुल नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत निकला। अब आते हैं 2 आपके सामने उद्देश्य प्रकट किए गए हैं, कौशल रुचियां और अभिवृत्तियां, ज्ञान अवबोध और अनुपयोग। देखिए हम यहां बात कर रहे हैं प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर नहीं। जैसे ही माध्यमिक स्तर आता है तो 100% विद्यार्थी कुछ थोड़ा बहुत अच्छा कौशल उद्देश्य को पूरा करता है, अभिरुचि को पूरा करता है, अपने दृष्टिकोण में सकारात्मक लाता लाता है, अभिवृत्तियां लाता है। तो ये 3 जो उद्देश्य है, कौशल रुचियां और अभिवृत्ति, ये माध्यमिक स्तर तक होती है लेकिन प्राथमिक स्तर पर नहीं होती। प्राथमिक स्तर पर जो विज्ञान शिक्षण की जो प्रमुख उद्देश्य है वो होता है ज्ञान अवबोध और अनुप्रयोग। तो 136वें प्रश्न का आंसर हो गया कि प्राथमिक स्तर पर सामान्य विज्ञान शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं, ज्ञान अवबोध और अनुप्रयोग। आशा करता हूं आपने भी इसी प्रश्न का यही आंसर दिया होगा। नेक्स्ट,
उद्देश्य जिनका संबंध हमारे ज्ञान के पुनः स्मरण पहचान बौद्धिक क्षमता कौशल विकास से यह संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न, फिर से उद्देश्य संबंधित आ गया साथियों, प्रश्न बार बार उद्देश्य संबंधित आ रहे, तो घबराने की जरूरत नहीं कि ऐसे उद्देश्य के, क्योंकि प्रश्न आपको उद्देश्य संबंधित ही पूछे जाएंगे। आज भी आप जो शिक्षण कर रहे हैं पढ़ रहे, वो भी आप उद्देश्य संबंधित ही कर रहे हैं। यहाँ प्रश्न पूछा है, उद्देश्य जिसका संबंध हमारे ज्ञान का पुनः स्मरण करना, पहचानना, बौद्धिक क्षमता, स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है। यहां दे रखे हैं तीन पक्ष दे रखे हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। इनमें से किससे संबंधित है? क्या पुनः स्मरण करना, पुनः याद करना। कब याद वो कर पाएगा? जब उसमें नॉलेज होगा, ज्ञान हो जाएगा, 100% वह पुनः स्मरण कर पाएगा, अपने कौशल को डेवलप कर पाएगा, अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास कर पाएगा। तो यहां आता है हमारा ज्ञानात्मक पक्ष। काफी विद्यार्थियों ने उपयुक्त सभी कर दिया होगा, उपयुक्त सभी नहीं है। यहाँ ब्लूम, करतवाल और सिम्पसन जो तीन दोस्त थे, इन तीनों दोस्तों ने मिलकर इन तीन पक्षों को दिया है हमारे शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्गत। उसमें से ब्लूम द्वारा जो हमारा ज्ञानात्मक पक्ष दिया गया, उस ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत जो हमारे छह उद्देश्य थे, उसमें से ज्ञान उद्देश्य से संबंधित हमारा पुनः स्मरण करना, बौद्धिक क्षमता का विकास और कौशल विकास को करना है। तो 137 प्रश्न का सही आंसर हो गया हमारा ज्ञानात्मक पक्ष, जो ब्लूम द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का वास्तविक अर्थ क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने राइट दिख रहे हैं, लेकिन वास्तविक सीसी का अर्थ क्या है देखते हैं। शिक्षकों का विद्यालय आधारित मूल्यांकन, विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें बाल विकास के सभी पहलू सम्मिलित हो, विद्यार्थियों का विद्यालय आधारित मूल्यांकन हो, और विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें अध्यापक और विद्यार्थी के विकास के सभी पहलू सम्मिलित है। सबसे पहले ये बात याद रखनी, सीसीई केवल और केवल विद्यार्थी का होता है, न तो यहाँ शिक्षक का हो रहा है, न यहाँ विद्यालय का हो रहा है। तो यहाँ जैसे शिक्षक आए वो ऑप्शन ही गलत है। शिक्षकों का विद्यालय आधारित मूल्यांकन बिल्कुल नहीं, यह सत्य व्यापक मूल्यांकन का अर्थ नहीं है। सेकंड आता है हमारा विद्यार्थी का विद्यालय आधारित, विद्यार्थी का विद्यालय आधारित मूल्यांकन, ये भी सीसी का नहीं है। फिर आता है विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें अध्यापक और विद्यार्थी के विकास के सभी पक्ष, यहाँ विकास अध्यापक का नहीं केवल केवल बच्चों का होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आता है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें बाल विकास के सभी तथ्य सम्मिलित है। बाल विकास, बच्चों के विकास के सभी कंटेंट अगर सम्मिलित है तो वह हमारा वार्षिक तौर पर सीसीई सतत व्यापक मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ आंसर कहलाता है। तो सीसी का अर्थ क्या हो गया? विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें बाल विकास के सभी पहलू सम्मिलित है। आशा करता हूं आप लोगों ने इस प्रश्न को सही राइट किया होगा। अगला है, विज्ञान शिक्षण में वैज्ञानिक विचार होते हैं। विज्ञान शिक्षण में अपनी जो सोच है वो साइंटिफिक, जो वैज्ञानिक तरह ढंग से सोचने की बात होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति विशेष की धारणा पर निर्भर है। वैज्ञानिक सोच किसी एक व्यक्ति की धारणा पर निर्भर होता है, वैज्ञानिक सोच। सेकंड है, एक से अधिक व्यक्ति विशेष की धारणा पर निर्भर है। पहले तो कहा एक व्यक्ति की धारणा पर निर्भर, दूसरे में कहा है एक से अधिक, चार पांच दस पंद्रह व्यक्तियों की धारणा पर निर्भर होते हैं, ये कहा है। फिर कहा है पूर्णतः पक्षपात रहित हो, और फिर कहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न पूछा है तो आंसर देना है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। जब भी विज्ञान शिक्षण में अगर कोई वैज्ञानिक विचार होता है तो वो केवल केवल तथ्य पर आधारित होगा, नियम पर आधारित होगा, वो पूर्णतः पक्षपात रहित होगा, सहित नहीं होगा। तो यहाँ आंसर बनता है हमारा, विज्ञान शिक्षण में वैज्ञानिक विचार होते हैं, किस पर आधारित है? पूर्णतः पक्षपात रहित होते हैं, वह हमारा विज्ञान शिक्षण का वैज्ञानिक विचार कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न, आप अपनी कक्षा के बच्चों में विज्ञान शिक्षण के प्रति समझ का विकास करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? साथियों, ये प्रश्न आपके लिए आया है, और मेरी शुभकामना है कि आप बहुत जल्द राजकीय विद्यालय के शिक्षक बनने वाले, विज्ञान गणित के शिक्षक बनने वाले, वो जब शिक्षक बन जाएंगे
उस समय ये प्रश्न आपके सामने आ जाएगा कि आप अपनी कक्षा के बच्चों में विज्ञान के प्रति समझ का विकास करना चाहते हैं, बच्चों में विज्ञान की समझ का विकास करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आओ चर्चा करते हैं। उन्हें वैचारिक संकीर्णता से दूर करेंगे, उनमें वृहद दृष्टिकोण का विकास करेंगे, उनमें सही निर्णय लेने की भावना का विकास करेंगे। उपयुक्त में से सभी जय बजरंग बली या अपने कोई भी इष्ट देव का नाम लगाकर तुक्का लगा दो, राइट निकलेगा। उपयुक्त सभी तीनों ही तथ्य हमारे सही है कि जब हम कक्षा में विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के प्रति समझ का विकास करेंगे तो 100% हम क्या करेंगे, उनके अंदर जो संकीर्णता है वैज्ञानिकता की, वैचारिक संकीर्णता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मेरे को विज्ञान बहुत टफ लगती है, मैं इस विज्ञान विषय से भय करता हूं, इस संकीर्णता को दूर करने का प्रयास आप लोग, आप हमारा, आप शिक्षक लोग करेंगे। शिक्षक मना या शिक्षिका भी शामिल है ना इसमें, वृहद दृष्टिकोण का, आप उनमें एक ऐसा वृहद दृष्टिकोण, उनका व्यापक सोचने का तरीका आप बना लेंगे उन विद्यार्थियों में, तो यह हमारा वृहद दृष्टिकोण का विकास करेंगे और उनमें सही निर्णय लेने की क्षमता का भावना का विकास करेंगे। सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास आपने कर लिया, बहुत जल्द आप राजकीय विद्यालय के शिक्षक होने वाले। यहाँ आप कितना ही पढ़ रहे हैं लेकिन वहां जो 2.5 घंटे में 150 प्रश्न करने, वही आपका सही निर्णय होगा। अगर इन 2.5 घंटे में 150 प्रश्न में आपने सही निर्णय कर लिया, वो सही निर्णय करके सही ऑप्शन पर उत्तर पर टिक लगा दिया, 100% आपका आंसर सही होगा और आप राजकीय विद्यालय के शिक्षक माने जाएंगे। तो इसका आंसर हो गया है उपयुक्त सभी। फिर विज्ञान शिक्षण में अध्ययन कार्य को प्रभावी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। विज्ञान शिक्षण को अगर अच्छा प्रभावी बनाना है तो किसका उपयोग करें? श्रव्य उपकरण का, दृश्य उपकरण का, सर्वदृश्य उपकरण का, वो क्रियात्मक सामग्री का। देखो यहाँ पर अगर हम क्रिया विज्ञान शिक्षण की बात करते हैं तो क्रियात्मक शिक्षण के अंतर्गत, क्रियात्मक सामग्री के अंतर्गत कठपुतली आती है, नाटक आते हैं, इस तरह की चीजें कुछ पूछी आ सकती है ना, संग्रहालय भी आ सकता है यहाँ पर, है ना। तो लेकिन यहाँ हम बात करते हैं कि अच्छा प्रभावी विज्ञान शिक्षण को बनाना है, न श्रव्य, न दृश्य, न क्रियात्मक सामग्री, यहाँ केवल और केवल सुनना और देखना, दोनों सामग्री का उपयोग अगर सही ढंग से शिक्षक द्वारा किया गया, 100% विज्ञान शिक्षण का शिक्षण जो है वो 100% बहुत अच्छा प्रभावी हो सकता है। तो जब भी आप शिक्षक बने, ज्यादा से ज्यादा शिक्षण विधियों का प्रयोग करें और शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करें, बच्चे आपके फैन हो जाएंगे और 100% आपका शिक्षण सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक इकाई के साथ किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है कि हर इकाई, हर यूनिट के साथ अगर आपने मूल्यांकन कर लिया, 3-4 पाठ पढ़ाकर अगर आपने मूल्यांकन विद्यार्थियों का किया, तो वो मूल्यांकन क्या कहलाया? वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कहलाया, सतत मूल्यांकन कहलाया, उपचारात्मक मूल्यांकन कहलाया, ना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाया। जब भी हम कुछ भी करते हैं, 3 या 4 पाठ पढ़ाने के बाद मूल्यांकन करते हैं, वो मूल्यांकन करते समय हम क्या ध्यान रखते हैं कि बच्चे की क्या कमजोरी रही, तो यहाँ निदानात्मक मूल्यांकन सही बैठता है कि प्रत्येक इकाई के बाद अगर किया गया जो मूल्यांकन है वह हमारा निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। अगला है गणित की, अब गणित के शिक्षण विधियों क्या है? गणित शिक्षण की अच्छी पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय किस बात का हमें ध्यान रखने की जरूरत है? अगर आप गणित शिक्षक बन गए हैं, वो बनने वाले हैं, जब आप शिक्षक गणित के शिक्षक बने और अच्छी पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय आप किसका ध्यान सबसे ज्यादा रखेंगे? क्या रखेंगे? प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल किए हुए, क्या ऐसी किताब हो जिसमें सारे प्रश्नावली के प्रश्न पहले से हल किए गए? अरे वो तो फिर पासबुक हो जाएगी, कुंजी हो जाएगी। तो यहाँ प्रश्नों के सारे प्रश्न हल किए हुए नहीं होने चाहिए। सेकंड आता है पर्याप्त मात्रा में उदाहरण और प्रश्नावली में प्रश्न हो। थर्ड है उदाहरण ज्यादा तथा प्रश्नावली में प्रश्न कम हो, वो उदाहरण कम और प्रश्नावली में प्रश्न ज्यादा हो। यहाँ 3 में से आपको एक सर्वश्रेष्ठ निकालना है, वो सर्वश्रेष्ठ निकालते हैं वही पुस्तक सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कहलाती है, जहां पर्याप्त मात्रा में जितने चाहिए उतने ही उदाहरण हो, बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं हो, न बहुत कम उदाहरण हो, पर्याप्त मात्रा में उदाहरण हो, वो हर प्रश्नावली में अभ्यास प्रश्न दे रखे हो, वही पुस्तक हमारी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कहलाती है। तो यहाँ पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय आप
क्या ध्यान रखेंगे कि पर्याप्त मात्रा में उदाहरण हो, न ज्यादा हो न कम हो, पर्याप्त मात्रा में हो। वो हर प्रश्नावली के बाद अधिक से अधिक विद्यार्थियों के करने के लिए अभ्यास प्रश्न हो, वही पुस्तक का चयन आप करेंगे, उसका ध्यान आप रखेंगे। अगला है, बच्चों की अभ्यास पुस्तिका विश्लेषण करने के लिए आप निम्नांकित में से किसकी जांच करेंगे। अगर आप, यह फिर से आया प्रश्न आपके लिए, शिक्षक हैं आप, है ना, कि अगर आप बच्चों की अभ्यास पुस्तिका देख रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं, तो उस समय आप किसकी जांच करेंगे, बच्चे की कॉपी देखकर आप किसकी जांच करेंगे, काटपीट की कि बच्चे ने क्या काटा, क्या जोड़ा, कितनी कॉपी फाड़ी, कितने मात्राओं की गलती की, अंकों की गलती की, यह देखेंगे, लिप्त लिखावट की कि उसने, बच्चे ने कितना अच्छा लिखा, उसकी बात करेंगे, शुद्धता की गणित में आप बच्चे ने कितने हल सही हल किए उसकी, या उपज में से कोई नहीं। तो यहाँ हर विद्यार्थी के लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर विद्यार्थी ने क्या गणित में सही ढंग से लिखा है, वो सही ढंग से हर प्रश्न को, हर सवाल को सही शुद्ध राइट किया है या नहीं, इसका ध्यान हम शिक्षक को, गणित शिक्षक को रखना है। तो किसकी जांच करेंगे, विद्यार्थी की जो अभ्यास पुस्तिका, उसकी शुद्धता की जांच करेंगे। यह हमारे बच्चों की अभ्यास पुस्तिका का विश्लेषण करते समय हमको ध्यान रखने की जरूरत है। फिर अगला प्रश्न 145वां, यदि कक्षा चौथी का बालक है, एक विद्यार्थी किसी प्रश्न को करते समय गणना संबंधी त्रुटि करता है, कोई सवाल हल कर रहा है, उसने गिनती में त्रुटि कर दी, क्या त्रुटि कर दी, 12 + 5 = 16, होने चाहिए थे 17 और बच्चे ने लिख लिए 16, इस प्रकार की त्रुटियों के उपचार हेतु संशोधन के लिए क्या आवश्यक है। अगर बच्चा इस तरह की कोई त्रुटि करता है, गणना संबंधी कोई त्रुटि करता है, तो हम क्या करें, प्रश्नों को मौखिक रूप से हल करवाएं, मौखिक रूप से, गणित में कोई चीज मौखिक नहीं होती, केवल सूत्र हम याद कर सकते हैं, बाकी सब चीजें अभ्यास की होती है, तो ये तो हो नहीं पाएगा, प्रश्नों को मौखिक रूप से हल करना नहीं, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक गृह कार्य प्रदान करना नहीं, विद्यार्थियों को क्या गृह कार्य ज्यादा देंगे, क्या ये त्रुटि निकल सकती नहीं, विद्यार्थी को गणना संबंधी उपकरणों का प्रयोग करने की सलाह देना कि आप ऐसा करो, कैलकुलेटर लेकर बैठो बेटा, तभी आप इसको हल कर सकते हैं, ये भी नहीं। आता है आंसर त्रुटियों पर आधारित प्रश्नों को उससे शाम पट पर हल कराना, बच्चे को सामने ले आओ, अपने शाम पट पर इस बच्चे को उस सवाल को हल कराने का अधिक से अधिक प्रयास करो, 100% वह विद्यार्थी ऐसी गणना संबंधी जो त्रुटियां हैं उसको सही कर सकता है। डी ऑप्शन में क्या लिखा कि गणना संबंधी उपकरण का उपयोग, कैलकुलेटर लेके आया और बच्चे ने कर लिया, ऐसा करना गलत है। तो यहाँ आप त्रुटि के समय क्या संशोधन करें, बच्चों को आगे लाकर शाम पट पर गणना करने की बात करेंगे, उसको इस तरह से प्रेरित करेंगे। चलिए अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य, आठवीं तक जो स्कूल है वहां पर गणित सीखने का क्या तात्पर्य है, गणितीय अवधारणा की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोग से समस्याओं का तर्क संगत रूप से हल करना, केवल समस्याओं को हल करने की तकनीकों को सिखाना, बहुत सारे नए सूत्र परिकलन प्रक्रियाओं को सीखना और विभिन्न प्रकार की गणितीय समस्याओं के हल एवं विधियों को स्मरण करना। देखा जाए साथियों तो आंसर चारों राइट लग रहे हैं, लेकिन हमको क्या निकालना है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सर्वश्रेष्ठ आंसर निकालने का प्रयास करना है। वो सर्वश्रेष्ठ आंसर कब निकलेगा कि जब इसको हम समझेंगे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का तात्पर्य है कि जहां पर गणितीय अवधारणा की समझ में विद्यार्थियों में वृद्धि करना और उनके अनुप्रयोग से समस्याओं को तर्क संगत रूप से हल करने की, तर्क के साथ हल करो, अगर ये किया गया तो 100% हमने उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का सही शिक्षण प्रभावी बनाया है। तो यहाँ अवधारणा की समझ में वृद्धि करनी और समस्या उसको तर्क संगत रूप से उसको हल करने का प्रयास कराना, तभी हम उस प्राथमिक स्तर पर गणित सिखाने की बात अच्छे से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गणित की संकल्पनाओं एवं सिद्धांतों को समझना अधिगम के किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। यहाँ देखो फिर प्रश्न आया है उद्देश्य से, और केवल उसके संकल्पना और सिद्धांतों को समझना, संकल्पना और सिद्धांतों को समझना किस उद्देश्य के अंतर्गत रखा जाएगा। साथियों यहाँ पर हर विषय के उद्देश्य में कहीं तथ्य अलग अलग होते हैं, याद रखिएगा,
हिंदी में भी ये उद्देश्य है, लेकिन उनके तथ्य में कहीं इनके परिवर्तन होगा। विज्ञान में, हिंदी में, अंग्रेजी में, सामाजिक विज्ञान में, गणित में, संस्कृत में, अंग्रेजी में, हर विषय में उद्देश्य है, लेकिन तथ्यों में कहीं कहीं फर्क होता है। यहाँ पूछा गणित की संकल्पनाओं सिद्धांतों को समझना किस उद्देश्य की पूर्ति करता है, वह अवबोध उद्देश्य की पूर्ति करता है, क्योंकि उसने सिद्धांतों को समझ लिया। यह बात हमारे अवबोध उद्देश्य के अंतर्गत आती है। चलिए अब तो आप बहुत ब्रिलियंट हो गए, मेरे को यह आशा है आप अब तो अच्छे से इन शिक्षण विधियों के प्रश्न राइट कर सकते हैं, ये मैं मानता हूं। चलिए गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य? सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना बिल्कुल हो सकता है, सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, समस्याओं के हल करने की क्षमता का विकास करना। साथियों यहाँ फिर से प्रश्न का आंसर चारों ही रट लग रहे हैं, लेकिन हमको फिर से नया और राइट सर्वश्रेष्ठ निकालना है। सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना, ये गणित शिक्षण में होता ही है ना, हल करने की क्षमता, हल तो करना ही है। सूत्र याद करने की क्षमता का, गणित के अगर हम सवाल करें तो सूत्र तो हमको याद होंगे, तभी हम गणित के सवालों को हल कर सकते हैं। समस्याओं के हल करने की क्षमता का, अगर हम गणित के सवाल करें तो सामने एक समस्या है, उसको हल करने की क्षमता का विकास तो हमको करना ही करना है, लेकिन प्रमुख उद्देश्य क्या है कि तार्किक ढंग से, तर्क द्वारा सोचकर, तार्किक ढंग से सोचने की। बेटा आप जैसे विद्यार्थी, आपने, आप शिक्षक बने और आपने गणित के सवाल दिए, वो विद्यार्थी बिना किसी तर्क के कुंजी से, पासबुक से प्रश्न करके आया, तो उसको आपने पूछा, उसने कह दिया हाँ मैंने राइट किए, लेकिन अगर उसने नकल करके सवाल को हल किया था, आपको उसको समझाना नहीं बेटा नकल नहीं करनी, आपको अपने तार्किक योग्यता से उन प्रश्नों को, उन सवालों को हल करना, तभी आप उस विद्यार्थी में तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करा सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा सी ऑप्शन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन खत्म होने में है। गणित को बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यक है, गणित को बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को क्या आवश्यक है? गणनाओं में प्रवीणता होनी की चाहिए, सूत्र याद करने की, हल करने को, हल को याद कर रखने की, वो अमूर्त चिंतन और तर्क चिंतन विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उसे सूत्रबद्ध करने की। सबसे बड़ा ऑप्शन तो सबसे बड़ा आंसर ही हो गया है। तो यहाँ जय माता दी या हमारा जय बजरंग बली, जो हमारे इष्ट देव का नाम लिया, राइट हो गया कि गणित को बेहतर बनाने के लिए एक व्यक्ति को किसकी आवश्यकता है? अमूर्त चिंतन, जो नहीं देखा उसकी चिंतन की बात करनी, वो तर्क संगत ढंग से विवेचन करना और उसको समस्याओं को सूत्रबद्ध ढंग से हल करने की बात करता है, वो हमारा गणित को बेहतर बना सकता है। अंतिम प्रश्न साथियों इस मॉडल का, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है, विद्यालय की जो किताब है गणित की उसका क्या इंपोर्टेंस है? ज्ञान एवं कौशल की प्राप्ति में, बौद्धिक आदतों के विकास में, वांछित दृष्टि पैदा करने में उपयुक्त सभी। जब भी हम गणित शिक्षण कराते हैं और जब भी हम गणित शिक्षण कराएंगे, उस पाठ में हमने गणित के सवाल कराए, 100% विद्यार्थियों में ज्ञान एवं कौशल की प्राप्ति होगी, 100% उस विद्यार्थी में बौद्धिक आदतों का विकास होगा, क्योंकि वो खुद सोचेगा, तर्क ढंग से वो सोचेगा, उसका बौद्धिक विकास होगा, वो वांछित दृष्टिकोण जो हम चाहते हैं विद्यार्थी में, यह दृष्टिकोण का विकास हो जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास वो भी हो पाएगा। तो 100% उपयुक्त सभी हमारा महत्व इंपॉर्टेंस है, इसके द्वारा हम गणित विद्यालय पाठ्यक्रम को महत्व दे सकते हैं। तो ये थे हमारे सारे प्रश्न जो आप लोगों ने किए हैं, कि आशा करता हूं कि आप इन सारे प्रश्नों को राइट कर पाए होंगे, और आने वाले समय में, अब आने वाला जो मॉडल टेस्ट पेपर 4 होगा, उसमें आप और सर्वश्रेष्ठ ढंग से करने का जरूर प्रयास कीजिएगा और आगे बढ़ेगा। जब भी प्रश्न करे, फिर कह रहा हूं, हर बार कहता हूं, जब भी प्रश्न करे आप अपनी सोच सकारात्मक रखें, आप अपने व्यवहार को व्यावहारिक बना ले, आप जब भी प्रश्न करे तब कुछ प्रश्न को करते समय आप स्वयं शिक्षक बन जाए कि मैं वर्तमान में शिक्षक हूं, और प्रश्न को करें, शायद प्रश्न ज्यादा सटीक और सही राइट हो सकते हैं। कब होंगे? जब आप सर्वश्रेष्ठ प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।